किचन रेसिपी बाय रेखा में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपको ओट्स के लड्डू बनाकर दिखाएंगे जो कि बहुत स्वादिष्ट बनकर तैयार होते हैं। अगर आप ऐसे ही सॉफ्ट और मजेदार लड्डू बनाना चाहते हैं तो प्लीज ऐसे ही मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें। इन लड्डुओं में जो भी सामग्री मैं यूज करने जा रही हूँ वो बहुत ही पौष्टिक एवं विटामिन से भरपूर है। चलिए हम बताते हैं कि लड्डू बनाने में क्या क्या सामग्री ली गई है। एक 2 कप मैंने ओट्स लिए हैं प्लेन वाले, आधा कप काजू, लगभग 50 ग्राम होंगे, आधा कप मैंने बादाम ली है और आधा कप मैंने खरबूजे के बीज लिए हैं जो मार्केट में मगज के बीज भी बोले जाते हैं। मगज के बीज तरबूज के बीज को भी कहा जाता है लेकिन वो साइज में बड़े होते हैं, ये छोटे खरबूजे के बीज छोटे होते हैं। ये छोटी इलायची पिसी हुई है, थोड़ी सी इलायची पाउडर है। ये मैंने देसी प्योर घी लिया है, आधा कप मैंने गुड़ लिया है। चलिए अब बताते हैं कैसे बनाएंगे हेल्दी लड्डू ओट्स के। ये ओट्स को मिक्सी के जार में डाल के इसको ग्राइंड करना है। ये देखिए मेरा ओट्स पीस के तैयार हो गया है। अब मैं कढ़ाई चढ़ा रही हूं, मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, मेरी कढ़ाई गर्म हो गई है। अब इसमें मैं प्योर घी 1 चम्मच डालने हैं और खरबूजे के बीज भूनेंगे इसको, हम धीमी आंच में भूनेंगे हल्के गुलाबी तक होने तक। देखिए मेरे खरबूजे के बीज भून के तैयार हो गए हैं, पिंक पिंक से दिखने लगे हैं। अब इसको मैं निकाल लेती हूँ प्लेट में। इसके बाद मैंने फिर से कढ़ाई चढ़ाई है, उसमें आधा चम्मच प्योर घी डाल लें। आप प्योर घी नहीं है तो आप कोई और भी ऑयल डाल सकते हैं। अब इसमें मैं काजू भून रही हूँ, वो भी धीमी आंच में करना है। खरबूजे के बीज भी लगभग मुझे 5 मिनट लगे थे धीमी आंच में और हल्के गुलाबी हो गए थे। ये देखिए हल्के गुलाबी हो गए थे 5 मिनट में धीमी आंच में मैंने बीज भूना था। अभी मैं काजू भून रही हूँ, इसको भी धीमी आंच में ही। इसी में बादाम भी मैं डाल रही हूँ भूनने के लिए। एक साथ दोनों चीजों को भूनेंगे। ये भी देखिए काजू बादाम मेरे भून के तैयार हो गए हैं, इसको भी 5 मिनट लगे मुझे भूनने में। अब इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं, फिर इसको मिक्सी के जार में पीसेंगे। अब मैंने फिर से कढ़ाई चढ़ाई है, उसमें मैं 2 चम्मच देसी घी डालेंगे और ओट्स जो मैंने पीसा है उसको भूनेंगे धीमी आंच में। देखिए मेरा कलर चेंज होने लगा है, अब ये हल्का गुलाबी तक भूना जाएगा और धीमी आंच पे ही, खासतौर से ध्यान रखिएगा धीमी आंच पे ही भूनेगा। देखिए मेरे ओट्स जो है हल्के गुलाबी हो गए हैं। अब इसको मैंने गैस बंद कर दी है, अब इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब मैंने मेरे ओट्स भून के तैयार हो गए हैं। अब मैंने कढ़ाई फिर से चढ़ाई है, मेरी कढ़ाई गर्म हो गई है। मैं गुड़ डाल रही हूँ, आधा कप मैंने निकाला था, गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े किए हैं। अब इसको चलाना है, वो धीमी आंच पे करना है, ये पिघल जाएगा बिल्कुल। देखिए मैंने मेरा 1 कप मैंने गुड़ डाला था, मेरा अच्छा सा पिघल गया है, गर्म हो गया है। अब इसमें मैं ओट्स डाल रही हूँ जो मैंने पीस के रखे हैं और काजू और बादाम का बूरा पीसा है जो अभी मैंने, उसको भी मिक्स करना है। और खरबूजे के बीज, सभी चीजों को मिक्स करना है। इलायची पाउडर, अब इसको मिक्स कर देना है।
गैस को मैंने बंद कर दिया है। अभी देखिए मेरा अच्छे से मिक्स हो गया है। इसमें आप चाहिए तो और भी मेवा डाल सकती हैं, पिस्ता डाल सकती हैं, किशमिश डाल सकती हैं, वो आपके जो भी चाहिए वो और मेवा इसमें ऐड कर सकती हैं। और अब इसको मैं ठंडा होने के लिए रखूंगी थोड़ी देर के लिए। अभी देखिए मेरा ये थोड़ा ठंडा हुआ है, अभी बहुत तो नहीं हुआ है, तो थोड़े थोड़े बनाते हैं। अब इसमें थोड़ा सा देसी घी डालेंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। ये फिर बनाते हैं लड्डू। इसको लड्डू आप अपने हिसाब से बना लेंगे साइज। देखिए मेरे लड्डू बनके तैयार हो गया है। इसी तरीके से आपको और लड्डू बनाने हैं। इसी तरीके से आपको सारे लड्डू बनाने हैं। अगर आपको लगे कि लड्डू अच्छे से नहीं बन रहे हैं तो दो चार छींटे आप पानी की भी ऐसे करके डाल सकते हैं। देखिए मेरे ओट्स लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। अब आप लोग प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, मेरी ये रेसिपी भी शेयर करिएगा। बताइएगा कैसी लगी मेरी ये ओट्स मेवा लड्डू। और प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा जिन्होंने नहीं किया हो। और मेरा ये शेयर भी करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा कैसी लगी मेरी ये ओट्स लड्डू रेसिपी।